जिंदाबाद जिंदाबाद पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद 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 जम्मू की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद 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 जुगों की आवाज पैंथर्स पार्टी जिंदाबाद 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 हर्षदेव जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं हर्षदेव जी आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं हर्षदेव जी आगे बढ़ो। लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मायूस हो चुके हैं पूरे तरीके से, और इसी का उदाहरण है कि पैंथर्स पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी एक दर्जन से ज्यादा नौजवानों ने पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। इन तमाम नौजवानों ने पहले भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया था, क्योंकि ये भरोसा दिलाया गया था कि लोगों की समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अच्छे दिन आएंगे, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगेगा, पीस आएगी, शांति आएगी, नॉर्मेलिसी आएगी जम्मू कश्मीर में, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से आए दिन आतंकी वारदातों में इजाफा हो रहा है वो बहुत ही एक कंसर्न की बात है। कल फिर 4 जवान जो हैं वो शहीद कर दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ अपनी छाती ठोकने के और पीठ थपथपाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। जिस तरीके से मिलिटेंसी में खास तौर पर इजाफा हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन चेक करने में सरकार विफल रही है, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने में सरकार विफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक दमन की राजनीति, एक दबाव की राजनीति है, सबको क्रश किया जाता है जो बोलता है, इस तरीके की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर के मसले हल नहीं हो सकते हैं। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, जिनके पास आज जम्मू कश्मीर की कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, कि आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर चलना होगा। अगर बीजेपी ये समझती है कि बाकी पार्टियों को दबाकर और वन पार्टी सिस्टम चलाकर यहाँ हालात पे काबू पा सकती है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। आपको सबको विश्वास में लेकर चलना होगा और जमहूरी निज़ाम को जम्मू कश्मीर में बहाल करना होगा, तभी यहाँ हम उम्मीद रख सकते हैं कि जमहूरी निज़ाम से ही यहाँ हालात बेहतर हो सकते हैं, अमन आ सकता है, शांति आ सकती है, और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान एक चुनी हुई सरकार ही कर सकती है, बाहर से भेजे हुए ब्यूरोक्रेट्स यहाँ की समस्या का समाधान नहीं।